नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी का एक बार पुनः दक्षिणा ई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत। हम पेपर टू के डिस्कशन पे पढ़ रहे हैं और पहला सवाल काफी लेंदी है, पर लेकिन किया जा सकता है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है और वेज है, दोनों का मास एम एम है, इधर की तरफ दीवार है और बात यह है कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ये इधर की तरफ भागेगा और ये प्योर रोल करते हुए नीचे आ रहा है, ये जानकारी आपको दी गई। तो हमने इसकी एक्सेलरेशन को ए वन नीचे ले लिया है और ये भाई साहब की एक्सेलरेशन को यानी वेज की एक्सेलरेशन को इधर की तरफ ए ले लिया है ना। अब आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, ध्यान पूर्वक अगर देखें तो हमें बहुत सारी इक्वेशन बनानी है, बाकी तो सवाल तो सॉल्व किया ही जा सकता है। अब आप ध्यान से देखिए, इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए वन मानी गई है तो नेट फोर्स पे यहाँ पे जो नॉर्मल लग रहा है वो एन वन माना गया है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें, नीचे की तरफ फोर्स होगा एम जी और एक फ्रिक्शन उधर की तरफ लग रहा होगा, फ्रिक्शन का ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ एस साइन 45 डिग्री और ये एन वन का ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा एन वन कोस 45 डिग्री। डाउनवर्ड नीचे फोर्स को लिख दिया एम इंटू ए वन, यहाँ पे आपको रिश्ता नंबर वन मिल गया। दूसरा रिश्ता टॉर्क से निकाला गया इसमें कि भाई ये सॉलिड सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा और फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, बाकी सब यहीं से पास हो रहे हैं तो वो एफ एस इंटू आर लिख दिया, सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब और इन्फॉर्मेशन क्या है अपने पास, अब अपन क्या कर रहे हैं, ये वेज का एबीडी बना रहे हैं। वेज पे अगर आप ध्यान से देखें, नीचे एमजी लग रहा होगा, ऊपर एन डबल डैश है और यही वाला जो एनवन इधर लग रहा होगा वो इधर लग रहा है और फ्रिक्शन जो है वो इधर लग रहा होगा। इसकी एक्सेलरेशन ए मान ली गई लेफ्ट की तरफ, तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि एनवन का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा आपके लिए, एन वन साइन 45 डिग्री, ये एंगल बोलिए या ये एंगल 45, जो भी आपको बोलना है, एन वन साइन 45 डिग्री और एफ एस का कौन सा वाला कंपोनेंट होगा, एफ एस कोस 45 डिग्री है ना। तो ये 45 डिग्री बोल दीजिए मान लो, तो आपका क्या आ गया है, एन वन साइन 45 डिग्री माइनस एफ एस कोस 45 डिग्री, नेट फोर्स हो गया उसको मास इनटू कैपिटल ए एक्सेलरेशन लिख दिया गया है। तो ये तीसरा रिश्ता आपको प्राप्त हो गया है कि नहीं है। अब एक रिश्ता और हमें निकालना पड़ेगा, ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्योर रोलिंग की कंडीशन को यूज करके निकाला गया है। कैसे, अगर प्योर रोलिंग की कंडीशन लें तो ये वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन, ये वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए जो इस वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन है, मतलब ये तो दोनों टच में है ना, इनकी एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए। तो ऊपर वाला जो ये है इसकी इधर की तरफ क्या होगी, मैंने कहा वो अल्फा आर होगी उधर की तरफ और ए वन से नीचे जा रहा है, इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए वन साइन 45 डिग्री है कि नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए, ए वन नीचे है, ए वन इसको सेंटर ऑफ मास का दे दिया, इधर वाला कंपोनेंट और ऊपर वाला कंपोनेंट, नेट आपका आ गया अल्फा आर माइनस ए वन साइन 45 डिग्री है ना, क्योंकि अल्फा आर इसको ऐसे मिला है और ए वन इसको ऐसे मिला है, तो ए वन का इधर वाला कंपोनेंट जो है वो ए वन, मतलब ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री है, ए वन साइन 45 इज इक्वल टू ए कोस 45 डिग्री, इसका इधर की तरफ ए है, इधर की तरफ वाला कंपोनेंट क्या हो गया, ए कोस 45 डिग्री, एक रिश्ता आपको मिल गया। अब एक और रिश्ते की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या होगा आपके लिए, ये तो नॉर्मल है, इसके अलावा अपन क्या लगा सकते हैं, ये तो प्योर रोलिंग की कंडीशन लगा दी, यहाँ पे अपन वेज कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, कौन सा कंस्ट्रेंट, वेज कंस्टेंट लगा सकते हैं, अलोंग द नॉर्मल क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, तो अल्फा आर तो इसका इस डायरेक्शन में बात ही खत्म, और ये वाला जो भाई है इसकी ए है, ए का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कोस 45 डिग्री, और ए वन जो डाउनवर्ड है उसका इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, मतलब साइन 45 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बात ऐसी है ना कि ए वन आपका नीचा है, ए वन ऐसे है और ये आपका ए ऐसे है और दोनों के कंपोनेंट आपको किसके अलोंग लेने हैं, इसके अलोंग लेने हैं, एंगल बीच के 45 45, तो यहाँ पे ये वेज कंस्टेंट आ गया, इससे एक रिश्ता आ गया, ये आपका रिश्ता नंबर 5 हो गया। फिर आप ध्यान से देखिए, फ्रिक्शन होगा म्यू इनटू एन, तो अगर मैं म्यू मिनिमम की बात कर रहा हूं तो वो एफ एस डिवाइडेड बाई एन वन आ जाएगा, है कि नहीं है, म्यू मिनिमम तभी मिलेगा जब इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, और मिनिमम वैल्यू के लिए तो अगर आप ध्यान से देखें एफ एस डिवाइडेड बाई एन वन कर लेंगे, एफ एस आप वैल्यू, अब आप ऊपर आपको क्या करना है, ऊपर वाली इक्वेशन सब में वैल्यू डालनी होगी, जैसे अगर आप वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे ए की वैल्यू आपके लिए जी बाई 3 आ जाएगी, जो कि एक्सेलरेशन ऑफ वेज है, एफ एस निकाल दोगे एन वन से डिवाइड करोगे म्यू मिनिमम मिल जाएगा जो कि 1/3 आ रहा है सोल्व करके, और अगर ये मास को 3√3 ले रहे हैं तो कॉन्टेक्ट फोर्स को सोल्व करके
100 आ रहा है। तो इस तरह से अगर आप ऑप्शंस वाइज देखेंगे तो आपका इस सवाल में ऑप्शन जो करेक्ट हो रहे हैं वो है ए बी एंड डी जो है। तो काफी कैलकुलेशन वाला सवाल दिया है पहला, लेकिन आगे के सवाल उतने कैलकुलेशन वाले नहीं है, फर्स्ट वाले को थोड़ा लेंथी दिया गया है ताकि आप फर्स्ट में अटक जाए और काफी सारा टाइम वेस्ट कर दें। फर्स्ट को स्किप करके आपको सेकंड थर्ड फोर्थ पे आगे बढ़ना था, बहुत ही सस्ते सवाल आगे आपके लिए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर टू की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर टू। ए मैन ऑफ मास एम इज स्टैंडिंग ऑन ए स्टेशनरी फ्लैट कार, एक कार है इसका मास कितना है, कैपिटल एम है और इसके ऊपर एक भाई साहब खड़े हैं, इनका मास कितना है, एम है। द कार मूव्स विदाउट फ्रिक्शन अलोंग ए हॉरिजॉन्टल रेल ओनली, द मैन स्टार्ट वॉकिंग विद वेलोसिटी वी रिलेटिव टू द कार, मतलब जो है इस कार के रिलेटिव इनकी रफ्तार कितनी है, मान लीजिए ये इधर की तरफ वी से जा रहे हैं, ठीक है। वर्क डन बाय द हिम इज ग्रेटर देन दिस 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 दिस, अच्छा अगर ये वी से जा रहा होगा तो मान लो कि भाई साहब ये इधर की तरफ वी डैश से चलने लग गई है ना, और तो इसमें एड कर दीजिए तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, v माइनस v डैश, भैया v से वो इधर जा रहा होगा उसमें आप v डैश को ऐड कर दीजिए तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मिल जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से आप देखिएगा तो आपके लिए मोमेंटम कंजर्वेशन रहना चाहिए हॉरिजॉन्टल में, तो m इंटू v माइनस v डैश इज इक्वल टू कैपिटल m इंटू v डैश है कि नहीं है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो m इंटू v अपॉन m प्लस m है, ये क्या आ जाएगा आपके लिए v डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब v डैश की वैल्यू ये आपको आती हुई दिखाई दे रही है, अगर v डैश की वैल्यू ये आ जाएगी तो इसने जो वर्क मतलब अब सवाल क्या है, इस वर्क डन बाय हिम इज इक्वल इज ग्रेटर देन हाफ एम वी स्क्वायर इफ ही वॉक्स अलोंग रेल्स, मैंने कहा नहीं बे, हाफ एम वी स्क्वायर जो इसने वर्क किया है मतलब इसने जो वर्क किया है वो उसके दो पार्ट हुए होंगे, एक तो इसको कुछ एनर्जी मिली होगी और दूसरी इस वाले को एनर्जी मिल गई, तो बोल रहा है कि इज ग्रेटर देन हाफ एम वी स्क्वायर इफ वी वॉक्स अलोंग द रेल, इज लेस देन हाफ एम वी स्क्वायर इफ वी वॉक्स अलोंग द, अच्छा इसने जो वर्क किया है वो कहां गया होगा, मैंने कहा एक तो आपके पास है वो गया होगा हाफ एम वी माइनस वी डैश का होल स्क्वायर प्लस क्या आ गया होगा, मैंने कहा हाफ कैपिटल एम वी डैश का स्क्वायर, तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखिएगा v माइनस वी डैश यानी कि v माइनस एम वी अपॉन एम प्लस एम है, तो ये वैल्यू कैपिटल m इंटू वी डिवाइडेड बाई एम प्लस एम बचेगी उसका स्क्वायर प्लस वन बाई टू कैपिटल m इंटू वी डैश है, वी डैश की वैल्यू हमारे लिए क्या है, m इंटू वी डिवाइडेड बाई कैपिटल m प्लस एम का होल स्क्वायर। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहां पे ये वैल्यू आ रही होगी वन बाई एम वी स्क्वायर, नीचे आ रहा होगा एम प्लस एम का होल स्क्वायर है ना, और यहां से क्या हो जाएगा आपके लिए एम और कैपिटल एम का स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा m इंटू स्मॉल m का स्क्वायर, तो m इंटू m आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा m प्लस m और इससे एक ये कट गया, तो ये वैल्यू आ रही है वन बाई टू एम एम अपॉन m प्लस m इंटू वी स्क्वायर। अब हमको ये देखना है लाला कि ये वाली जो वैल्यू आ रही है वन बाई टू एम 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 प्लस एम वी स्क्वायर क्या ये हाफ एम वी स्क्वायर से कम है कि ज्यादा है, ये हमेशा हाफ एम वी स्क्वायर से कम होगी, काहे भैया कि m इंटू एम जो होगा वो m प्लस एम से लेस होगा है ना, अरे है कि नहीं यार, तो हाफ एम वी स्क्वायर आपका बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है वो आपके लिए कम होगी। अगर अच्छा अगर आप ध्यान से देखें, मान लो कि दोनों वैल्यू वन वन है तो वन डिवाइडेड बाई टू वन, वन इंटू वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन, वन बाई टू इज लेस देन वन है ना, मतलब नॉन जीरो के लिए ये वैल्यू हमेशा m से कम होगी। मान लो कि इसको आप टू मान लीजिए, इसको वन मान लीजिए, टू डिवाइडेड बाई थ्री टू से कम ही होगी, मतलब है कि नहीं है, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो आपका क्या आ जाएगा, हाँ वो आपका आंसर जो है इज लेस देन हाफ एम बी स्क्वायर इफ वॉक अलोंग द रोड, तो आपका एक ऑप्शन बी करेक्ट हो गया है, क्या हो गया है ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि भाई अगर ऐसे चले, कैसे चले,
वो वी से ऐसे चले नॉर्मल में, तो ये चलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जो ये रेल्स के ऊपर रखी हुई, तो रेल से उधर तो भाग के जाएगी नहीं। तो रफ्तार जो है आपकी, ये जो वी आपको रिलेटिव टू द कार दिया हुआ है, जब कार इधर मूव ही नहीं करेगी तो भैया यही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इनकी रफ्तार हो जाएगी। तो इसको तो कोई काइनेटिक एनर्जी आने वाली नहीं है। किसको काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी? कार को इधर की तरफ नॉर्मल चलेगा तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। जो तो जो जो इसने वर्क किया है वो पूरा का पूरा कहाँ गया है? खुद की एनर्जी बढ़ाने में गया, और खुद की रफ्तार कार के रिलेटिव वी है, और कार खुद ही रुका हुआ, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी हो गई है? वी हो गई है। तो इनका वर्क डन हो जाएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन सी बोल रहा है कि इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इफ यू वॉक नॉर्मल टू द रेल। ये वाले विचार सत्य है, कैन नेवर बी लेस देन हाफ एम बी स्क्वायर। डी ऑप्शन गलत हो गया है। तो इस तरह से आपका सही आंसर हो जाएगा बी एंड सी। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर थ्री पे। सवाल नंबर थ्री एकदम आप जो है हलवा हलवा टाइप का सवाल है, बहुत बहुत आसान सा आपको ये सवाल दिखाई देगा। देखिए जरा क्या है सवाल नंबर थ्री। सवाल नंबर थ्री आपसे बोल रहा है भाई साहब कि स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन है फाइ एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू 4 sin πx/3 cos 10 πt। अब आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पे जो 2a है, 2a की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 दी हुई है। तो a की वैल्यू आपका इसका आधा हो जाएगा। किसमें दिया हुआ है? अकेला सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे एम्पलीट्यूड हो जाएगा। k की वैल्यू कितनी दी हुई है? वो आपकी पाई बाई थ्री आ रही है, और k होता है 2π/λ। तो यहां से पाई कट गया है, लेमडा की वैल्यू आपके लिए 3 × 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर आ रही है। ओमेगा यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये, तो आप जानते हैं कि ये एक स्टैंडिंग वेव है जो दो स्टेशनरी वेव के कॉम्बिनेशन से बनती है, और उनकी वेलोसिटी रहती है ओमेगा बाई के। ओमेगा आपके पास है 10 πt, और के की वैल्यू है π/3, 3 ऊपर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 30 cm/s। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एम्पलीट्यूड ऑफ ईच वेव इज 2 cm, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जा रहा है। बी में अगर आप देखिएगा वेलोसिटी ऑफ ईच वेव इज 30 cm/s, यानी कि बी करेक्ट हो जा रहा है। सी है डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट जंक्शन। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट जंक्शन, अगर स्टैंडिंग वेव की बात करें तो दो सक्सेसिव नोड के बीच की दूरी होती है, टू सक्सेसिव नोड के बीच की दूरी होती है λ/2। λ/2 यानी 6/2, दैट इज इक्वल टू 3 cm। तो आपका 3 cm सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन उसको क्या बोल रहा है? 2 cm। तो ये गलत हो गया। ये तीसरा वाला एक बहुत ही सस्ता सवाल था जो कि आप तुरंत करके आगे बढ़ सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। भैया यहाँ पे एक सस्ता सा सवाल दिया, मतलब एक ग्राफ दिया हुआ है, और माहौल ऐसा है कि इधर भाई साहब है, एक जो सोर्स है जो जा रहा है ए से बी तक, और उसकी रफ्तार मान लीजिए भाई कि वी है ना, वेलोसिटी ऑफ सोर्स को वी मान लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड को वी मान लेते हैं, ठीक है। हालांकि सवाल में आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है, और आपको मतलब जो है ये बहुत सारी बातें यहाँ पे निकालनी है। तो अगर आप ध्यान से देखें इस पॉइंट पे आते हुए, ये जो वी एस है वो पूरा इधर की तरफ हो जाएगा, यानी कि जो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी वो ओरिजिनल इसको सुनाई देगी। यहां से यहां तक फ्रिक्वेंसी आपको ज्यादा सुनाई दे रही होगी, और इससे आगे वाले में कम सुनाई देगी। तो लॉजिकल है, यहाँ पे आएगा तो आपको कितनी सुनाई दे रही होगी? जो इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो आपको 2000 Hz दिया हुआ है, ठीक है भाई साहब। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई दे रही होगी वो वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑब्जर्वर रुका हुआ है, और इधर वाला कंपोनेंट काम का होगा यानी कि वी, और सोर्स आपका पास आ रहा है, तो वी एस का कौन सा वाला कंपोनेंट काम आएगा? कोस थीटा वाला, और माइनस का है यूज किया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी, एफ नॉट आपको दिया गया। इधर की तरफ अगर बात करेंगे, मान लो कि आप एंगल थीटा पे इधर की तरफ चले गए, यहां से डर है कि नहीं यार, अगर ये थीटा बढ़ते बढ़ते आपका क्या हो गया है, यहाँ यहाँ पर आते हुए 0 हो गया, और फिर इधर थीटा बढ़ने लगा, मतलब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ थीटा 0 मतलब 90 डिग्री हो जाएगा, फिर आगे और बढ़ता रहेगा। तो उस वाले केस में आपको फ्रिक्वेंसी प्राप्त होगी वी अपॉन वी प्लस वी एस कॉस थीटा इंटू एफ एस एफ ओ। अब आप ध्यान से देखिएगा तो सवाल आपसे बोल रहा है कि भैया जो जो आपको इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो रही है वो यहाँ ग्राफ से आपको 1800 प्राप्त हो जाएगा। मिनिमम तब प्राप्त होगी, मिनिमम तब प्राप्त होगी जब ये वाली वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? वो आपको 1 हो सकती है। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू
वन हो सकती है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एफ मिनिमम आपको कितना प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है सवाल में, वो आपको 1800 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1800, और एफओ की वैल्यू तो आपको 2000 दिया हुआ है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको जो है वो 300 दिया हुआ है, और 300 प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स बोल रहे हैं, ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स है। इसको जब आप सोल्व करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स आपको आ रही है 33.33 मीटर पर सेकेंड। अब आपको अगर एफ मैक्स निकालना है, एफ अगर मैक्स निकालना है तो आप क्या करिएगा, आप क्या करिएगा भाई साहब, जरा ध्यान से देखिए। अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो आप क्या चाहिएगा कि एफ जो जो ये वाली वैल्यू है वो आपकी मिनिमम हो जाए, है कि नहीं यार? तो इसका मतलब वी माइनस कॉस थीटा, वी एस कॉस थीटा, कॉस थीटा की वन हो जाए, ताकि ये जो आइटम नीचे वाला है ये आपका मिनिमम हो जाए, ये मिनिमम हो जाएगा तो एफ आपका मैक्सिमम हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 300 डिवाइडेड बाई 300, और वी एस की वैल्यू आ गई आपकी 3.33, और cos थीटा की वैल्यू 1 कर दीजिए इनटू f 2000 कर दीजिए, यहां पे आपको मैक्स मिलेगा, और ये वैल्यू आपकी सॉल्व करने पे आ रही है 2250 हर्ट्ज। थोड़ी सी कैलकुलेशन है कॉन्सेप्ट के लिहाज से, कोई बहुत तगड़ा सवाल नहीं है। बोल रहा है कि स्पीड ऑफ सोर्स इज दिस, स्पीड ऑफ सोर्स इज 3.33, ए गलत हो गया लाला, और फिगर कैन नॉट बी ग्रेटर देन, मतलब बोल रहा है कि 2100 से ज्यादा नहीं हो सकती, नहीं नहीं 2250 भी हो रही है, तो ए गलत बी गलत, स्पीड ऑफ सोर्स इज सी सही, और स्पीड ऑफ डी इज यस, ये सी है, 2250 तो मैक्स आ गया, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो आंसर आपका सी एंड डी यहां पे करेक्ट होता हुआ दिखाई दे दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5, क्या है सवाल नंबर 5 देखिए जरा। सवाल नंबर 5 बोल रहा है, टू प्लेट्स ऑफ चार्ज आइसोलेटेड एयर कैपेसिटर आर कैप्ट एट ए डिस्टेंस डी, ये डिस्टेंस डी पे एक कैपेसिटर की दो प्लेट्स को रख दिया गया है, और उनकी एनर्जी स्टोर्ड कितनी है वो यू है, मतलब चार्ज मान लो क्यू है माइनस क्यू है इसके, तो एनर्जी हो जाएगी आपका क्यू स्क्वायर बाय 2c, और c की वैल्यू k की वैल्यू 1 है, एप्सिलॉन नॉट a बाय b के बराबर हो गया। चलिए भाई साहब, अब बोल रहा है ऑप्शंस आपके साथ ए कि इफ वी पुल द प्लेट्स टू ए रिलेटिव डिस्टेंस 2d, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड इज इंक्रीजेस बाय 100%। अरे भैया जब आप जो है इसको खींच के डी को 2d कर दोगे, डी को क्या कर दोगे 2d कर दोगे, जब d' आपका 2d हो जाएगा तो c' आपका c/2 हो जाएगा, c/2 होगा तो u' की वैल्यू q²/2c, और c की जगह c/2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 2u हो जाएगी, मैंने कहा हाँ। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 100% इंक्रीज हो गई, तो बिल्कुल सत्य जवाब। बी वाले में बोल रहा है कि इन ए मिनिमम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू यू, यस अगर ये बढ़ाते 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 वाले जब मतलब डी से 2d तक पहुंचाया होगा तब इसकी रफ्तार मान लीजिए 0, काइनेटिक एनर्जी में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ आपने जो एक्सटर्नल वर्क किया है उसने कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ाई है, तब जो है आपको एक्सटर्नल मिनिमम वर्क करना पड़ेगा 2u माइनस इनिशियली इसके अंदर एनर्जी u थी तो u करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, मिनिमम u से काम चल जाएगा। बोल रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स डज नॉट चेंज, q²/2a एप्सिलॉन नॉट होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो क्यू चेंज हुआ है क्योंकि बैटरिया से कनेक्टेड नहीं है, है ना, तो ऐसे आप कीजिएगा तो क्यू चेंज होने वाला नहीं है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है q²/2a एप्सिलॉन नॉट। अगर आप ध्यान से देखें तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सिग्मा इनटू a करते हैं अपन, और ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट चेंज होगा नहीं, क्योंकि अगर आपका डिस्टेंस बहुत कम होगा, थोड़ा सा अगर आप कीजिएगा तो हम दोनों प्लेट्स को इनफाइनाइट मान के चल रहे हैं, तो थोड़ी सेपरेशन की केस में, हालांकि वो इनफाइनाइट होती नहीं है, लेकिन अगर मैं दो पेजेस को ऐसे रख दूं और इनको बहुत पास में रख दूं और यहां चीटा बन के बीच में बैठ के देखूं तो ये दोनों ही मुझे इनफाइनाइट दिखाई देंगे, लेकिन अगर इनको बहुत लंबा दूरी तक लेके जाइएगा तो फिर ये इनफाइनाइट नहीं रहेंगे, इनफाइनाइट इज ए रिलेटिव टर्म। अगर आप यहां पे आंख रख के देखिएगा तो आपको बोर्ड भी इंफिनिटी दिखाई देगा, है ना, और यहां आके रख के देखेंगे तो बोर्ड आपको इतू सा दिखाई देगा, मतलब जस्ट कम सा दिखाई देगा, तो ठीक है, इंफिनिटी इज रिलेटिव इन फिजिक्स। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपका आंसर जो है यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो सी आपका ऑप्शन सही हो गया है। इन द इफ वी पुल द प्लेट टू ए लार्ज डिस्टेंस
देन जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होगा। काहे लाला, क्योंकि फिर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख पाएंगे, ये तो अपना का जो है मतलब जो इंफिनिटी सीट के केस में ही पॉसिबल है, फिर ये बहुत दूर रखेंगे तो इंफिनिटी वाला माहौल भी नहीं बनेगा, तो डी ऑप्शन भी सत्य है। तो आंसर आपके हो गए ए बी सी डी। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर सिक्स पे। सिक्स एकदम लल्लू पल्लू सवाल है, मतलब बताते हुए शर्म आएगी वैसे टाइप का। जरा ध्यान से देखिए सवाल नंबर सिक्स, क्या है सवाल नंबर सिक्स? सवाल नंबर सिक्स ऐसा भाई साहब की एक ऐसी प्लेट रॉड है और इसको अपन क्या कर रहे हैं, वी रफ्तार से चला रहे हैं, किसमें एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको चलाया जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी है, ये बिंदु वन है और ये बिंदु टू है। अब आप ध्यान से देखिए रॉड ऑफ लेंथ एल मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन एंड वन इज पॉजिटिव। अगर आप वी क्रॉस बी से, अगर आपको याद हो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल होता है, तो यहां पे प्लस होगा हाई पोटेंशियल और यहां होगा कम पोटेंशियल। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप जानते हैं फोर्स लगा होगा क्यू वी क्रॉस बी, तो इलेक्ट्रॉन लोगों पे क्या होगा कि फोर्स लगा होगा क्यू इंटू वी क्रॉस बी में, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, और क्यू खुद ही कैसा था नेगेटिव था, तो वो वी क्रॉस बी की अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव भागा होगा, तो यहां नेगेटिव आया होगा यहां पे पॉजिटिव आया होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ चल रहा होगा और उसने क्या किया होगा ई इंटू ई का इधर फोर्स लगाया होगा और इधर लग रहा होगा ई वी बी, तो यहां से ये कैंसल आउट हो गए होंगे, ई की वैल्यू वी इंटू बी आई होगी और जब इंटू मतलब वी क्रॉस बी आई होगी एटलीस्ट और इनको डॉट एल वेक्टर कर दिया तो ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस आ गया होगा। ये उम्मीद है कि ये आपको पहले से पता है, मतलब मोशनल ईएमएफ अगर आपने पढ़ा है तो। तो एंड वन इज पॉजिटिव ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज रॉड इज नॉन जीरो, मैंने कहा तभी तो स्टैटिक कंडीशन आएगी। ए सही है भैया, बी सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थोड़ी है। एंड टू इज पॉजिटिव, मैंने कहा सब वन पॉजिटिव होगा साले टू पॉजिटिव कैसे होगा बे, एंड ईएमएफ इज बी एल वी बी एल वी, यस ये आपका ऑप्शन सही है। तो लल्लू पल्लू सवाल था, ए बी एंड डी, ए बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर। अब अगर आप ध्यान से देखिए वैसे ही सातवां जो सवाल है वो भी खत्म केस है, जरा देखिए कैसे। सातवें सवाल में यहां पे एक डेंसर मतलब हाई डेंसिटी वाली रॉड है और ये वाला एक कम डेंसिटी वाला रॉड मतलब धागा लगा रखा है, ये लेंथ एल है, ये वाली लेंथ भी एल है, ऐसे खूब सवाल आपने दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द अबव अरेंजमेंट, वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम स्ट्रिंग वन टू स्ट्रिंग टू है, ये वाला वन है भैया और ये वाला स्ट्रिंग आपका टू है। इफ द वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम स्ट्रिंग वन टू स्ट्रिंग टू देन द जॉइंट वुड बी ट्रीटेड एज फ्री एंड, यस क्योंकि ये यहाँ पे जॉइंट ये वाला जो मीडियम है वो रेयरर मीडियम है तो फ्री एंड की तरह इसको ट्रीट किया जा सकता है। सेकंड वाले में बोल रहा है वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन टू टू, अरे भाई जब जॉइंट टू वुड बी ट्रीटेड एज फिक्स एंड नहीं फ्री एंड, अगर आपकी ये वेव जो है वो डेंसर से लेके रेयरर में जा रही है, अगर ये बात समझिए या फिर ऐसा समझ लीजिए ये दोनों बातें सिमिलर सी ही है ना, ये फ्री एंड का माहौल बन जाएगा। लेकिन अगर वेव इधर से इधर आ रही होती तो ये फिक्स एंड की तरफ बिहेव करता, यानी कि ये धागा फिक्स कर वाले की तरह, वेव तो बी गलत हो गया भाई और बोल रहा है कि डी ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि उसने बोला बहुत बी एंड सी करेक्ट है, सी बोल रहा है इफ द वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम टू टू एंड देन जॉइंट विल बी ट्रीटेड एट टू थ्री इन टू टू वन आ रहा होगा कि ये क्लोज एंड की तरफ बिहेव करेगा, बी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन सिर्फ ए करेक्ट होगा यहाँ पे, बाकी बी से डी गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर एट की तरफ। देखिए सवाल नंबर एक बहुत ही आसान है, आपको सवाल में बोला है कि ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा है और आपको डेल्टा ए बाई ए और डेल्टा ए के ऊपर कमेंट करना है तब जब थीटा आपका जीरो से लेके 90 के बीच में और थीटा इंक्रीज हो रहा, तो हमने क्या कर दिया इसको डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी ए बाई डी थीटा साइन थीटा एज इट इज, ए एज इट इज साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से डी ए की वैल्यू अपने पास ये आ गई और ए को अपन क्या डाल सकते हैं, ए को अपन लेमडा बाई साइन थीटा डाल सकते हैं, लेमडा बाई साइन थीटा इंटू ए करके, तो यहां से आपके पास डी ए आ गया, ये है ना। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत शानदार, हम एरर निकाले उसमें माइनस में कोई खास रोल नहीं है, हमें तो सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज के बारे में बात करनी है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से अगर देखिए तो आपका जो डी ए बाई ए है, डी ए आपका ये मतलब ये आ गया तो आप ए से डिवाइड करिएगा, ए से ए कट जाएगा तो ये वैल्यू आपके लिए डी ए बाई ए की वैल्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू डेल्टा थीटा आ रहा है, तो अपने को पास डी ए बाई ए यहां से आ गया है और यहां से डी ए आ गया। अब अपने को कमेंट करना है कि भैया अगर थीटा आपका जीरो से लेके 90 के बीच में हो और उसको बढ़ाया जाएगा तो डी ए के साथ क्या होगा, अरे भाई थीटा को अगर आप जीरो से लेके 90 तक लेके जाएंगे तो ये वैल्यू कम हो रही है और ये वैल्यू बढ़ रही है तो ये रेशियो ऑब्वियसली घटेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए जीरो से लेके अगर आप 90 की तरफ जाएंगे तो ये वैल्यू कम हो रही होगी और ये वैल्यू बढ़ रही होगी, साइन थीटा जीरो से लेके 90 के बीच में बढ़ रहा है ना
तो ये रेशियो तो पूरी तरह से घट रहा होगा। तो दोनों ही केस में ये वैल्यू जो है एब्सोल्यूट एरर इन ए आल्सो डिक्रीजेस और एब्सोल्यूट फ्रैक्शनल एरर इन ए आल्सो डिक्रीजेस, यानी कि आपका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे वो आपका बी एंड डी हो जाएगा, बी एंड डी हो जाएगा, ए एंड सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं 9 एंड 10 वाले सवाल पे, सवाल नंबर 9 एंड 10 जरा ध्यान से ये देखिए। आपको पीवी कर्व दिया गया है, यहाँ पे गैस जो है 1 से 2 पे जाती है और 2 से 3 में आती है। व्हाट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इन टोटल फोर्सेस, मतलब अगर इंटरनल एनर्जी निकालना है भैया पांच से हमें कोई मतलब नहीं है, 1 एंड 3 की सीधी बातें करते हैं। यहाँ का टेम्परेचर अगर पता लग जाए और यहाँ का टेम्परेचर अगर पता लग जाए तो डेल्टा टी पता लग जाएगा और डेल्टा यू आपका होता है एन सी वी डेल्टा टी। एन की वैल्यू एन रख देते हैं, सीवी की वैल्यू होती है आपके लिए कौन सी गैस है भाई, मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस है तो 3/2 आर डेल्टा टी विच इज T3 - T1 है। अब आप ध्यान से देखिए तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी और यहां से टी की वैल्यू आ रही है पीवी डिवाइडेड बाई एन आर है, तो यहां का अगर आप ध्यान से देखें तो ये 3 nr/2 और T3 की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखिएगा T3 की वैल्यू तो आपके पास आ जाएगी P × V / nr यानी 3P × 2V यानी 6P0V0 डिवाइडेड बाई एन आर माइनस ऑफ T1 यहाँ का टेम्परेचर होगा, यहाँ का प्रेशर इंटू वॉल्यूम हो गया P0V0 डिवाइडेड बाई एन आर। अब आप ध्यान से देखिएगा तो एन आर यहाँ पे कट गया है तो ये वैल्यू कितनी बच गई है आपके पास 3/2 और ये आपका हो गया 5P0V0 आ गया है, तो ये 15/2 7.5P0V0 जो है ये वैल्यू सॉल्व करके आ रही है। अब आप ध्यान से देखिएगा इस पूरे प्रोसेस में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू की अगर बात करें तो सवाल बोल रहा है कि यहाँ पे 7.5P0V0 का एनर्जी हमने सप्लाई किया है, पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि भाई एनर्जी गिवन आउट बाय द गैस एलिमेंट्री सम ऑफ हीट टेकन अप एंड गिवन आउट बाय द गैस इन द प्रोसेस इज 7.5P0V0 और यही वैल्यू 7.5P0V0 है, तो इसका मतलब W आपका क्या हो गया है 0 है, इसका मतलब ये जो पॉजिटिव वर्क है आपका दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क कितना हुआ है लाला ये इतना ये पूरा नेगेटिव वर्क है, 1 से 2 में पॉजिटिव वर्क हुआ है, सेकेंड वाले में क्या हुआ है नेगेटिव वर्क यहाँ पे हुआ है, या आसान भाषा में ये बोले तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये वाला एरिया मस्ट बी इक्वल टू ये वाला एरिया है ना, तभी भाई ये तो पूरा कॉमन ही हो गया, बात ही खत्म हो गई। तो अब अगर आप ध्यान से देखें मुझे अगर ये वाला एरिया निकालना है कौन सा एरिया, दिस एरिया मस्ट बी इक्वल टू दिस एरिया है ना, तो या फिर ऐसा कर सकते हैं कि ये जो एरिया है पूरा इसको ये एरिया के बराबर कर देते हैं है ना, तो ये पूरा पूरा एरिया निकाल लेते हैं यहां से लेके यहां यहां वाला क्या हो जाएगा आपके लिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है भाई साहब, ये आपकी जो लेंथ है वो पी नॉट हो गई है और ये हो गई है आपकी 3P0 यानी कि P0 + 3P0 इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम V0 and XV0 यानी कि डिस्टेंस हो गया है X-1V0 है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम इज इक्वल टू ये आपका मतलब ये वाला एरिया हो गया दैट मस्ट बी इक्वल टू फिर वापस 2 से 3 में इसने नेगेटिव वर्क किया है तो ये वाला तो आपका क्या बन गया रेक्टेंगल बन गया है और ये है आपका 3P0 और तो ये वाले हाइट आपकी 3P0 हो गई है और वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो X-2V0 V0 से V0 खत्म हो जाएगा और P0 से यहाँ पे P0 खत्म हो जाएगा 4/2 2x-1 = 3x-2 है तो यहां से 2x-2 = 3x-6 आ गया आपके लिए तो यहाँ पे 6-2 = 4 that is equal to x तो x की वैल्यू आपके लिए 4 आ गई है तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो डेल्टा यू की वैल्यू ये आ रही है ये आपके 9th वाले में पूछा गया था और 10th में आपको x पूछा गया था जो कि आपको ऑप्शन सी में दिखाई देगा तो 9th 10th यहाँ पे खत्म होता है। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 एंड 12 नंबर 11 12 बहुत ही सस्ता सवाल है मतलब x डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां से जो एफ्लक्स एंट्री मार रहा होगा यहां से बाहर जा रहा होगा मान लो अंदर आ रहा 5 1 बाहर जा रहा 5 2
तो आपके लिए होगा क्या, इन दोनों का डिफरेंस ही तो नेट फ्लक्स हो जाएगा अंदर, है ना, अंदर आ रहा है नेगेटिव चार्ज है, तो फाइव वन की वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगी, मैंने कहा एरिया ए स्क्वायर है और अंदर आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, मैंने कहा ये दूरी आपके लिए अगर ए होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा अल्फा इंटू ए की पावर 1/2, तो ये हो गया है आपका मतलब माइनस ऑफ अल्फा इंटू ए की पावर 5/2, और 5/2 जो है वो निकल रहा है कहां से, वो यहां से निकल रहा है, एरिया ए टू हो गया और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ए इंटू एक्स, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए थी और ये साइड की लेंथ भी ए है, तो यहाँ 2a हो जाएगा, मतलब सस्ता सवाल है, बिल्कुल एकदम सस्ता सवाल है यहाँ पे, तो ये 1/2 आ गया है, तो ये वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगी, √2 टाइम ऑफ अल्फा ए की पावर 5/2। नेट फ्लक्स की बात करेंगे तो ये माइनस ये आ गया आपके लिए √2 माइनस 1 अल्फा ए की पावर 5/2, और नेट फ्लक्स को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, गॉस लॉ के हिसाब से क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू √2 माइनस 1 अल्फा ए की पावर 5/2, तो यहां से जो क्यू एनक्लोज आ रहा है वो आ रहा होगा आपका √2 माइनस 1 अल्फा एप्सिलॉन नॉट ए की पावर 5/2, है ना, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज आंसर होगा आपका √2 माइनस 1 अल्फा ए की पावर 5/2, नेट फ्लक्स इतना आ रहा है जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई देगा सवाल नंबर 11 में, और आपसे बोला है कि चार्ज विद इन द क्यूब इज तो √2 माइनस 1 अल्फा एप्सिलॉन नॉट ए की पावर 5/2 सवाल नंबर 12 में, एकदम सस्ते सवाल है, बहुत ही सस्ते सवाल है, आपको जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, एरिया मतलब अब निकाल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम निकाल ही लेंगे, आपको ये पता करना है ये वाले प्लेन में एक्स की वैल्यू क्या है, ये दूरी ए है और अगेन ये वाली ए है, यहाँ एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ एक्स की वैल्यू ए हो जाएगी, मतलब यहाँ ए और यहाँ 2 है, तो बहुत ही सस्ते सवाल थे, पैराग्राफ वाले तो मतलब 9 10 11 12 तो आप टक टक से ऐसे कर लेते। आइए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का सवाल, और सवाल नंबर है इसमें 13, सवाल नंबर 13 यहाँ पे क्या है कि एक स्मूथ सिलेंडर है जो कि फिक्स्ड है और उसके ऊपर जो है 5 kg और 4 kg को ऐसे लटका रहा होगा, आपको बोल रहा है कि भाई रिलीज करने के बाद में एक्सेलरेशन ऑफ m1 यानी इस 5 kg का आपको क्या बताना है, एक्सेलरेशन आपको बताना है, तो ये वाला हो गया आपका 40 mg लग रहा होगा, यहाँ पे ये एंगल आपका 30 है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे की तरफ क्या कितना फोर्स लग रहा होगा, इस पे नीचे इधर की तरफ 50 लग रहा होगा, ये एंगल आपका 30 है, तो ये वाला एंगल 30 हो जाएगा, तो mg cos 30 इधर आएगा, mg sin 50 sin 30 यानी कि 1/2 यानी कि 25 इधर लग रहा होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो होगा क्या कि ये 40 इधर खींच रहा है और 25 इधर खींच रहा है, पूरा कार्यक्रम जो है वो ऐसे चला जाएगा, इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, a हो जाएगी ऐसे, और वो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए 40 माइनस 25 डिवाइडेड बाई टोटल मास, और टोटल मास यहाँ पे क्या हो रहा है 5+4 यानी कि 9 आ रहा है, तो ये वैल्यू आपके लिए कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 15/9, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस वैल्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड करके 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो n की वैल्यू यहां से सॉल्व करके अपने पास कितनी आ जाएगी, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, n की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आंसर आपका हो जाएगा 3। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे लगी हुई एक और पुली और ये पूरा कार्यक्रम कनेक्टेड है एक ब्लॉक ए से और ये पूरा सेटअप है आपका कनेक्टेड है ब्लॉक बी से। हाँ
knowing that block B start to move downward with a constant velocity of B start move downward with a constant velocity of 18 meter per second. ये 18 meter per second की सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से चल रहा है, तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए निकालना है। मान लीजिए वी ए, मान लीजिए क्या है, वी ए, ऐसा मान लिया मैंने। अगर ये 18 से नीचे आ रहा होगा तो ये वाला जो है, अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला पॉइंट भी कैसे आ रहा होगा, 18 से नीचे आ रहा होगा। ये वाला पॉइंट भी 18 से नीचे आ रहा होगा क्योंकि ये पुली के अलोंग 18 मान ले। तो अपन क्या कर रहे हैं, ये धागा पकड़ ले रहे हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, एंड मान लीजिए कि ये पुली नीचे आ रही है V से, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाले धागे के लिए क्या होगा, जरा ध्यान से देखें, ये वाला धागा पकड़ लेते हैं यहां से लेके यहां, यहां, यहां बंधा हुआ। ये पॉइंट की रफ्तार मैंने ऊपर मान ली, लेंथ को कम कर रहा है तो मैंने लिख दिया माइनस पी ए। ये पॉइंट रुका हुआ है, जीरो जीरो पॉइंट मेथड यूज कर रहा हूं, और ये पॉइंट इस पुली पे, और पुली नीचे जा रही वी से, तो वी प्लस का, तो यहां से आ गया आपका V इज इक्वल टू V। अब अगर आप ध्यान से देखें, अब अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, तो यहां से ये वाले धागे पे आ जाए, यहां इस पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पॉइंट की रफ्तार क्या है, ऊपर की तरफ VA है, तो वो आ जाएगा माइनस VA, काय को, क्यों, लेंथ कम हो रही है, और ये पॉइंट और ये पॉइंट कहां है, इस वाली पुली पे, और वो नीचे आ रहे हैं, तो ये वाली लेंथ को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, लेंथ को कम कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे उसके लिए, क्योंकि V है तो V खुद ही VA के बराबर है, माइनस VA माइनस VA। मैं यहां पे क्या यूज कर रहा हूं, पॉइंट मेथड यूज कर रहा हूं, जैसे आप जो भी मतलब यूज करते हैं उसी को यूज करें। और ये पॉइंट कहां पे, इस पुली पे, और ये नीचे की तरफ जा रहा है, लेंथ को बढ़ा रहा है, ये भी पॉइंट जो इस पे है, और ये वाली लेंथ को बढ़ा रहा है, यानी प्लस 18 इज इक्वल टू, ये वाला जीरो है, दैट इज इक्वल टू जीरो, मतलब। तो यहां से आप क्या पाइएगा, 3VA इज इक्वल टू 36 है, तो VA की वैल्यू आ जाएगी आपकी 36 डिवाइडेड बाय 3, जो कि आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड, जो कि है 12 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 के बाद, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सी आपको फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया गया है, और आपको कुछ 50 ग्राम का मास दिया गया है, जो कि जिसका टेम्परेचर वेरी कर रहा है 27 डिग्री से 57 डिग्री, और आपसे पूछा है भैया ये जो हीट सप्लाई करने के लिए हीटर यूज किया जा रहा है, जिसका वोल्टेज आपको दिया हुआ, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और आपसे पूछा था कि इतना मतलब ये जो है 27 डिग्री से 57 डिग्री तक लेके जाएंगे उस सब्सटेंस को, तो कितना टाइम लगेगा। तो अरे भैया यहां से यहां ले जाने में कितना एनर्जी लगेगा, पहले वो एनर्जी निकाल दो, और एनर्जी देने वाले की औकात निकाल दो, जो दिया इज इक्वल टू ये, तो सॉल्व करके आपको टी आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि भाई साहब जो है, आप क्यू को लिख सकते हैं MC डेल्टा T, M की वैल्यू M हो गई, और C की वैल्यू T स्क्वायर प्लस BT इनटू DT, तो इसका इंटीग्रेशन कर लिया हमने, और टाइम हमारा मतलब टेम्परेचर है वो वेरी कर रहा है 300 से 330 केल्विन, ये जो डिग्री सेल्सियस था उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, वैल्यू रख दी, कैलकुलेशन करने पे हमें जो रिक्वायर्ड हीट आ रही है वो है 429075 केल्विन, अब इतना चाहिए, और देने वाले की औकात वी स्क्वायर बटा आर से पावर आ गया इनटू टाइम टी के एनर्जी आ गई, और ये जूल में आएगा डिवाइडेड बाय 4.2 कर दिया है। तो यहां से अगर मुझे टी चाहिए होगा तो आर और 4.2 को क्यू के साथ ले जाके वी से डिवाइड कर दिया, वी आपको 220 वोल्ट की सप्लाई की है। तो ये सब कैलकुलेशन कर रहे हैं, 7446.7 सेकंड आ रहा है, जो कि 2 घंटा और 4 मिनट के बराबर है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था एक्स मिनट, तो एक्स यहाँ पे आपका 4 आता हुआ दिखाई दे रहा है, सवाल का आंसर हो जाएगा 4। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16। देखते हैं सवाल नंबर 16, बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बोला गया भैया ये जो R है ये वेरिएबल है और इसमें पावर मैक्सिमम है, तो पता है कि R की वैल्यू क्या रखें कि पावर मैक्सिमम आ जाए। अगर तो पहले करंट निकाल दो उसमें, फिर I स्क्वायर R कर लो ताकि उसमें पावर आ जाएगी, और फिर वो फंक्शन ऑफ R होगी, तो dP / dR को जीरो कर लो, यही किया है हमने। इसमें करंट I मान लिया, इसमें करंट I1 मान लिया, तो यहाँ पे I माइनस I1 आ जाएगा। इसमें KVL लगाया, इसमें KVL लिखा है, दो इक्वेशन आई, दोनों को सॉल्व किया तो I आ गया, ये आप जानते हैं। अब इसमें I मिल गया, I स्क्वायर R करेंगे क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा, पावर इज फंक्शन ऑफ R, आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है।
अगर पावर आपको फंक्शन ऑफ आर मिल गया तो आप डीपी बाई डी आर को जीरो करेंगे तो सॉल्व करके आर की वैल्यू आपको टू आती हुई दिखाई देगी, यानी आर की वैल्यू टू ओम होगी तब जो है इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही होगी, किसमें, इस आर वाले रेजिस्टेंस के अंदर। ठीक है, चलिए भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 17। देखिए सवाल नंबर 17 बहुत ही सस्ता है, मतलब आपको बोला है कि एक लूप रखी हुई है और उसके एंड टर्न्स हैं, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा होगा, कुछ लूप को उल्टा कर दिया तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, डेल्टा फाई आ जाएगा और आपसे पूछा कि चार्ज फ्लोन कितना होगा। हम जानते हैं चार्ज फ्लोन होता है डेल्टा फाई बाई आर, तो पहले फाई की वैल्यू निकाली मैंने, फाई की वैल्यू 0.4 आ गई, डेल्टा फाई क्या होगा 0.4 माइनस ऑफ माइनस 0.4 तो 0.8 आ गया, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जो कि 100 है, सॉल्व करने के बाद में ये 8 मिली कूलम आ रहा है। आपको बोला कि मिली कूलम में ही बताना है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा यहाँ पे। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 के बाद में सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 में क्या है कि एक इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप्रोचिंग ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स मिरर, तो एफ की वैल्यू 20/2 से 10 आ गई। इस ऑप्टिकल एक्सिस ऑब्जेक्ट, मतलब जो पहले इमेज थी वो 6 सेंटीमीटर पे थी और बाद में वो 250/43 सेंटीमीटर पे पहुंच गई ऑन इमेज, यानी अगर आप U1 पे ऑब्जेक्ट मान रहा होगा तो उसकी इमेज V1 पे रही होगी, और U2 पे ऑब्जेक्ट था तो उसकी इमेज मतलब आपकी U2 से V2 पे रही होगी, है ना। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां जाने में 1 सेकंड का टाइम लगा है, तो ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक गया होगा ऑब्जेक्ट के बारे में हमको पता करना है। तो अगर ये V1 था तो हमने सॉल्व किया, मतलब क्या है, V दिया हुआ है, F आपको दिया हुआ था, U1 सॉल्व करके निकाल लिया है ना, तो U1 की वैल्यू आई -15 मीटर। सिमिलरली ये V2 कंसिडर करके हमने U2 भी निकाला, U2 की वैल्यू कितनी है ये, तो दोनों पोजीशन अपने को ऑब्जेक्ट की पहले और बाद वाली पता लगी, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या पता लग जाएगा कि ऑब्जेक्ट कितना मूव किया है, दोनों का डिफरेंस लिया तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट आ गया जो क्या है 10/9 मीटर, और ये कितने टाइम में हुआ, 1 सेकंड में, तो 10/9/1, तो यहां पे आपके पास जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है वो आ रही है 10/9 मीटर पर सेकंड। अब आपको जो पूछा गया है कि भैया वो बताइएगा किलोमीटर पर हार में, तो मीटर पर सेकंड को आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि वो किलोमीटर पर हार में तब्दील हो जाए, तो ये 2 और ये कट गया आपका कितना आ गया 2 और ये 2 × 4 किलोमीटर पर आर, तो इसका आंसर जो है इस तरह से 4 हो जाता है, और इसके साथ ही जो पेपर 2 का डिस्कशन है वो यहाँ पे खत्म होता है। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वाले पेपर के डिस्कशन में, जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय।